हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपोर्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट टिप्स और ट्रिक्स है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि किसी को यहाँ पे मैसेज करते हैं ओके, और चाहते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंटर का की आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप उसे चाहते हैं कि सेंड की में कन्वर्ट करना, यानी कि फ्रेंड्स आप किसी को मैसेज यहाँ पे आप टाइप किए हैं और अगर आप इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स ये मैसेज सेंड हो जाएगा ओके। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो ओके। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ फ्रेंड्स सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग पर आपको क्लिक करना है और एक फ्रेंड्स आपको चैट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंटर इज सेंड ओके। तो आपको सिंपली इसे इनेबल कर देना है और इनेबल आप जैसे ही करेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप किसी को यहाँ पर मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो इंटर का जो की आपको देखने को मिल रहा था अब ये सेंड बटन में कन्वर्ट हो चुका है ओके। इसी तरह से फ्रेंड्स आप जो है वो इंटर की को सेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके। सो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक्स है, अगर फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो सेंड करता और चाहते हैं कि फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर वो आपके गैलरी में सेव हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि वो गैलरी में नहीं जाकर फ्रेंड्स केवल व्हाट्सएप में ही शो हो तो आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है। आपको सिंपली थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है और अगेन सेटिंग पर आपको क्लिक करना है और चैट्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है और अगेन फ्रेंड्स अब कोई भी अगर इमेज या फिर कोई वीडियो सेंड करता है और फ्रेंड्स अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो वो गैलरी में नहीं जाएगा बल्कि केवल व्हाट्सएप ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओके। सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स अगर आप किसी को इमेज या फिर कोई वीडियो सेंड करते हैं या फिर फ्रेंड्स कोई भी अगर डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स जिस क्वालिटी में इमेज या फिर वीडियो है उसी क्वालिटी में अगर फ्रेंड्स आप सेंड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से सेंड कर सकते हो ओके। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सेम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, अगेन सेटिंग पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्टोरेज एंड डेटा ओके। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स फोटो अपलोड क्वालिटी ओके। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बेस्ट क्वालिटी जो कि बीच में आप देख सकते हैं ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी पे ओके टिक मार्क करना है और अगेन आपको ओके पे क्लिक करना है। इट मीन फ्रेंड्स अगर आप किसी को फोटो सेंड करेंगे तो फ्रेंड्स बेस्ट क्वालिटी में सेंड होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वालिटी रहेगा फ्रेंड्स उस क्वालिटी में सेंड नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स अगर वो 30 MB का कोई इमेज है और फ्रेंड्स अगर चाहते हैं कि 30 MB का ही सेंड हो तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पे कोई भी जैसे कि चैट को ओपन कर लेना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको सिंपली डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और जब फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो कोई भी अगर इमेज या फिर कोई वीडियो को सेंड करेंगे तो सेम क्वालिटी में फ्रेंड्स सेंड होगा ओके। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का टेक्निकल और ट्रबलशूट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारी कोई भी नई अपडेट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।